Hello and welcome to our lectures in computational physics. Today we are going to start chapter number 7, which introduces you with the procedures in Fortran language. ये वाले examples आपने सारी solve कर लेनी है chapter के end में, ठीक है? So let's start. तो motivation क्या है इस chapter में, या procedures क्या चीज होते हैं? ये explain करने से पहले मैं आपको ये explain करना चाहता हूँ कि main idea क्या है, motivation क्या है ऐसा करने की. So main idea ये होगा कि आप किसी भी बड़े प्रॉब्लम को ब्रेक कर दें इनटू स्मॉलर सब प्रोग्राम्स और सब टास्क, ठीक है? और छोटे छोटे टास्क अलग अपना काम करेंगे एंड देन यू कैन कंबाइन देम इन द मेन प्रोग्राम, ठीक है? फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम आपने देखा था ना कि एरेस को सॉर्ट करना था. अब एरेस को सॉर्ट करने के लिए आपको तीन चार चीज़ें चाहिए होती थी. एक तो नंबर स्वैपिंग करनी होती थी, जहाँ जहाँ जो सिलेक्शन सॉर्ट में. इसके अलावा जब भी सॉर्टिंग के अलावा आपको मिनिमम वाली मालूम करनी पड़ती थी अनसॉर्टेड लिस्ट में से, ना स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करना पड़ता था. तो बेहतर होता कि हम स्मॉलेस्ट नंबर मालूम करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते जो साइड पे पड़ा होता, ठीक है? और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती हम उस प्रोग्राम को कॉल कर लेते और वहाँ से उसको बहुत सारे नंबर इनपुट कर देते, वो उन नंबरों में से सबसे मिनिमम नंबर हमें दे देता, ठीक है? तो ये एक आइडिया था, हो सकता है. इसी तरह अगर आप फिज़िक्स में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई एक कोड लिख रहे हैं जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बार बार ज़रूरत पड़ती है, और मैग्नेटिक फील्ड चूँकि कांस्टेंट नहीं होती, और मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स है फॉर एग्जांपल, लेट्स से बी, और बी इज इक्वल टू 1 और आर है फॉर एग्जांपल, या जो भी उसकी डिपेंडेंस है. तो अब हमें हर वक्त मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है कोड के अंदर, कि हर दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड की लिखेंगे 1 और आर होगी, बार फिर अगेन लिखें 1 और आर होगी. इसके बदले हम एक अलहदा से फंक्शन बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, जो बाहर पड़ा होगा मेन प्रोग्राम से अलहदा. जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी हम बस उसको कॉल करेंगे, तो उसको कुछ उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी इनपुट, कि कितना करंट है या कितना रेडी कितने रेडियस पे मालूम करना है, तो वो हमें वापस भेज देगा वैल्यूज़. तो ये आइडिया है एक प्रोग्राम को टू स्प्लिट द मेन प्रोग्राम इनटू मल्टीपल स्मॉल प्रोग्राम्स, और वो इंडिपेंडेंटली अपना टास्क सॉल्व करके आपको आंसर दे सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स, मैं एक लेज़र पॉइंटर ले लूँ. सो बेसिकली ये है, तो दो किस्म के प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, टू और थ्री टाइप ऑफ प्रोसीजर यूज़ होते हैं फोरट्रान 95 में या फोरट्रान लैंग्वेज में. एक कहलाते हैं सब रूटीन्स, सो देयर आर वन सब रूटीन्स, और एक कहलाते हैं फंक्शंस. फंक्शन जो होता है वो उसको आप बहुत सारी वैल्यूज़ भेजते हैं और आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने करंट भेजा और आर की वैल्यू भेजी और एक फंक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के नाम से, वो आपको वैल्यू रिटर्न करता है एक. चूँकि ये एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, तो इसलिए इसकी कोई डेटा टाइप भी होती है. मतलब ये कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा या रियल वैल्यू रिटर्न करेगा या करेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इसलिए इसकी एक डेटा टाइप होती है फंक्शन के लिए. जो सब रूटीन्स होती हैं, सब रूटीन्स होती हैं वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकती हैं, इसलिए उसकी कोई डेटा टाइप नहीं होती, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, रियल भी भेजेगा इंटीजर भी भेज सकता है, सो उनकी मुख्तलिफ डेटा टाइप हो सकते हैं, सो उसकी डेटा टाइप नहीं होती सब रूटीन की कोई भी. हाँ, अलबत्ता सब रूटीन को कॉल करना पड़ता है, यानी कॉल का मतलब उसका उसे सी ए डबल एल कॉल स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है किसी भी सब रूटीन को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है? फंक्शन को कॉल नहीं पड़ना पड़ता, फंक्शन का सिर्फ नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. अच्छा, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं? द डेटा जो आप भेजते हैं किसी सब रूटीन को या किसी फंक्शन को या किसी किसी भी और रूटीन को, प्रोसीजर को, तो वो आर्गुमेंट्स हैं, चाहे वो इनपुट हों या आउटपुट आर्गुमेंट हों. तो ये दोनों आर्गुमेंट कहलाते हैं, इनपुट और आउटपुट, डजेंट मैटर कि वो लेता क्या है इनपुट और आउटपुट के तौर पर रिटर्न क्या करता है, जस्ट लाइक नॉर्मल मैथमेटिक्स में फंक्शंस होते हैं. ओके, चलें पहले सब रूटीन को पढ़ते हैं, फंक्शन ज़्यादा आसान है, फंक्शन बाद में पढ़ लेंगे, खैर. तो सब रूटीन के, सब रूटीन एक प्रोसीजर है, एक छोटा प्रोसेस है दैट रिसीव्स इनपुट वैल्यूज़ एंड रिटर्न इट्स आउटपुट वैल्यूज़ थ्रू द आर्गुमेंट लिस्ट. अच्छा, कैसे होता है? सब रूटीन लिखना पड़ेगा आपको किसी भी सब रूटीन को स्टार्ट करने से पहले, उसका कोई नाम लिखना पड़ेगा, यू नीड द नेम ऑफ द सब रूटीन. सो लेट मी चूज़ अ पेन एंड सो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपको इजीली अवेलेबल हो. सो आप इसको ये नाम हो, कुछ भी नाम लिख, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है? नाम उसका और आर्गूमेंट की लिस्ट होगी, सो देयर विल बी सम आर्गूमेंट इन, जो भी आर्गूमेंट हैं, इनपुट भी होंगे आउटपुट दो भी आर्गूमेंट होंगे. देन डिक्लेरेशन सेक्शन होता है. डिक्लेरेशन वैसे ही होता है कि कौन से इंटीजर हैं, कौन से रियल हैं वगैरह वगैरह, जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है कि जो सी है वो ए प्लस बी के इक्वल है वगैरह वगैरह.
रिटर्न कहीं से भी, रिटर्न एक ऑप्शन होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस चले जाओ, जहाँ से कॉल किया था वहाँ वापस चले जाओ, बट इट डजन मैटर जब भी आप, ये ऑप्शनल है, सो यू कैन यूज़ इट और लीव इट, ठीक है। और आखिर में फिर सब रूटीन स्टार्ट होते तो एंड सब रूटीन भी किया जाता है एंड, और ये तो ऑप्शनल होता है कि आपने नाम लिखना है या नहीं लिखना, मर्जी है। तो ये सब रूटीन यहाँ पे एंड हो जाएगी, जो भी उसका नाम यहाँ पे था, जो यहाँ पे नाम था वही नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक सब रूटीन का जनरल फॉर्मेट है। तो क्या होता है कि मेन प्रोग्राम चल रहा होता है, सो ये मेन प्रोग्राम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मेन प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल लेट से ये मेन प्रोग्राम चल रहा है अभी, ठीक है। और बाहर फिर आपने कहीं पे कॉल किया यहाँ से, सो आपने लिखा कॉल, सब रूटीन के लिए कॉल लिखना ज़रूरी होता है। जो ही कॉल करेंगे तो जो भी सब रूटीन का नाम होगा, ये वाले फॉर एग्जांपल कॉल और नेम लिखेंगे ना सब रूटीन का नाम, जो ही कॉल करेंगे तो एक अलग सब रूटीन बनी होगी कहीं मेन प्रोग्राम के अंदर ही कहीं बाहर, जो ही आप कॉल करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे सब रूटीन में, ठीक है। और इसके बाद जो भी यहाँ कैलकुलेशन होगी सब रूटीन के अंदर, और जब एंड होगा ना, एंड यहाँ पे रिटर्न होगा, तो ये फिर आप यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे इधर, ठीक है, इस लाइन में। तो ये जनरल रूटीन होती है, जस्ट लाइक लूपिंग नहीं होती कि आप कॉल करते हैं वहाँ से कोई जो भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो, देन यू गो बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। सब रूटीन नॉर्मल प्रोग्राम की तरह बिहेव करते हैं, इनमें डिक्लेरेशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है जैसा कि मैंने पहले कहा, और जो ही आप कॉल करते हैं तो ये जो कंट्रोल होता है प्रोग्राम का वो यहाँ आ जाता है, ये पूरा सब रूटीन में से गो थ्रू करते हैं, और एट द एंड ऑफ द सब रूटीन ये प्रोग्राम जाके कॉल के बाद चला जाता है, यहाँ नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ अ सब रूटीन वर्क्स। चले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। एक सब रूटीन है, ठीक है, जिसका नाम है ये पूरा कैलकुल, CAL कैलकुलेट हाइपोटेन्यूस, ये एक सब रूटीन का नाम, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, एनी नेम, ठीक है, यू कैन चूज एनी नेम, एनी नेम, ठीक है, जो भी लिखना है यहाँ पे लिख दें। इसके आर्गुमेंट्स हैं, पहला आर्गुमेंट है साइड वन, दूसरा आर्गुमेंट है साइड अंडरस्कोर टू, तीसरा आर्गुमेंट है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये डमी आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। डमी आर्गुमेंट से क्या मुराद होती है? डमी आर्गुमेंट्स वो होते हैं, ठीक है, जो यूज़ होते हैं मेमोरी के अंदर एज अ प्लेस होल्डर फॉर एक्चुअल आर्गुमेंट्स, मतलब जो भी आप एक्चुअल आर्गुमेंट भेजेंगे ना, उनको इस नाम से सेव कर लिया जाएगा, ठीक है। जहाँ इस सब रूटीन को पहले कॉल करना पड़ेगा ना, जो ही कॉल करेंगे तो आप जो भी पहले नंबर भेजेंगे वो साइड वन में चला जाएगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो साइड टू में चला जाएगा, जो तीसरे नंबर पे आएगा वो हाइपोटेन्यूस में चला जाएगा। अब वो हाइपोटेन्यूस के अंदर जा सकता है अगर आपने तीन भेजे हैं, अगर आपने दो भेजे हैं तो फिर ये हो जाएगा। अच्छा, इम्प्लिसिट नन एज यूजुअल, रियल वेरिएबल है साइड वन, ठीक है, एक साइड वन एक वेरिएबल है जो कि रियल है। इसके साथ एक नई चीज़ लिखी है, आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंट इन, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है। इंटेंट का मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं कि ये वाला जो रियल वेरिएबल है साइड वन, ये किस टाइप का हो। आगे ब्रैकेट में इन लिखा है तो इसका मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसको यानी इसकी वैल्यू बाहर से आएगी, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंट साइड टू भी उसकी इंटेंट भी इन है, यानी आप ये इसको लिख रहे हैं कि ये इनपुट वेरिएबल है, और हाइपोटेन्यूज को आप लिख रहे हैं कि ये आउट है, इंटेंट आउट, इसकी इंटेंट है रियल वेरिएबल, इंटेंट आउट है, मतलब ये आउटपुट होगी आपका प्रोग्राम, ये जनरेट करके भेजेगा बाहर। एक अब रियल वेरिएबल डिफाइन करते हैं टेम्प, ये आपने खुद डिफाइन किया, ठीक है, इस सब रूटीन के अंदर, तो इसको कोई भी, इस टेम्प वाले प्रोग्राम को कोई भी नहीं जानता सब रूटीन के बाहर, तो ये बहुत ही एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, नोबडी नोज द वेरिएबल टेम्प आउटसाइड द सब रूटीन। अच्छा, और टेम्प की वैल्यू रखते हैं साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर, ठीक है, जैसे हाइपोटेन्यूज ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज मतलब ये है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो दिस इज एस वन, ये साइड वन है, ठीक है, ये साइड टू है, और ये इनका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये है, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम, और आखिर में इसको ख़त्म कर देते हैं आप, ठीक है। रिटर्न लिखना ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है। तो ये एक सब रूटीन है जो अलग से लिखी हुई पड़ी होगी। अब जब भी आपने इसको एक्टिवेट करना होगा ना सब रूटीन को, तो आपने इसको कॉल करना होगा, जो ही कॉल करेंगे उसको एक ए या अपने साइड ए इसको ये भेज देना है, साइड टू देना है, हाइपोटेन्यूज रिटर्न कर देगी आपको, ठीक है। सो लेट्स मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, चलिए एग्जाम्पल पूरा प्रोग्राम लिख के बताते हैं कि कैसे होगा। ये प्रोग्राम का नाम है, रियल वेरिएबल है एस वन, रियल वेरिएबल है एस टू, रियल वेरिएबल है हाइपोटेन्यूज। आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि प्रोग्राम को एंटर करो, एस वन की वैल्यू रीड करने, एस वन की वैल्यू रीड करते हैं, एस टू की वैल्यू बाहर से।
ये है मेन प्रोग्राम, लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर सो यू कैन सी दिस। ये है नई चीज़ आपके लिए, ये पहली दफ़ा आई है हमारे कोर्स में। कॉल, कॉल का मतलब होता है आप हमेशा किसी सब रूटीन को कॉल कर रहे हो। कॉल कैलकुलस, कैलकुलेट हाइपोटेन्यूस, ये सब रूटीन का नाम है। एस वन आप भेजते हैं बाहर से, जो कि वैल्यू आप रीड कर लेते हैं, यही वाला एस वन, एस टू यही वाला है, और हाइपोटेन्यूस वो वापस आपको भेजेगी, यानी आई आप कॉल करते हो और ये हाइपोटेन्यूस तो आउटपुट है ना, ये बाद में आएगी आपका आउटपुट। अब जो ही प्रोग्राम चलता है चलता है चलता है, आप प्रोग्राम यहाँ पे पहुँचते हो, तो इसके बाद सो प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं आप, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, जो ही कॉल करते हैं तो फौरन आपका प्रोग्राम इस में चला जाएगा, इस सब रूटीन में चला जाएगा, वो मैंने ये ऊपर लिखी हुई है, तो इसके बाद फौरन प्रोग्राम यहाँ आ जाता है। सब रूटीन आपने लिखना है कैलकुलेट हाइपोटेन्यूस, इस एस वन को मैंने साइड वन लिख दिया, ये डमी वेरिएबल है, अपने नाम चेंज कर लें कोई बात नहीं, एस टू की जगह साइड टू कर दिया मैंने, और हाइपोटेन्यूस को हाइपोटेन्यूस लिख दिया। अगेन इम्प्लिसिट नन लिखना है आपने, साइड वन जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी ना वो साइड एस वन की वैल्यू साइड वन में से वो की, इसको बताना है कि ये रियल वेरिएबल है, और इंटेंट इन है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इनपुट देनी पड़ेगी बाहर से, जो कि इस केस में तो है, साइड टू की वैल्यू भी इंटेंट है और हाइपोटेन्यूस आउटपुट है। देन आप डिफाइन करते हैं और आखिर में एंड सब रूटीन, ये ख़त्म हो जाती है, तो प्रोग्राम वापस यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। S1 की वैल्यू आपने दी थी, S2 की वैल्यू हाइपोटेन्यूस की कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, हाइपोट एच वाई पी ओ टी में आके सेव हो जाएगी। अब आप इसको लिखते हैं राइट, प्रिंट कर देते हैं सीधा सीधा, जो ही राइट करते हैं तो ये हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट हो चुका होता है, वो सब रूटीन के अंदर हो चुका होता है, तो जस्ट यू कैन प्रिंट इट आउट। ये इसका साथ में मैंने ये इसका रनिंग, इसको रन करें तो ये बनेगा, आप प्रोग्राम को चला लीजिएगा, इतना कोई इशू नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। एक और प्रोग्राम है जिसमें एरिया कैलकुलेट होता है, अगेन देखें ये मेन प्रोग्राम चल रहा है, इम्प्लिसिट नन, रेडियस रियल वेरिएबल है, आप रीड करते हैं रेडियस को और फिर एक कॉल कर रहे हैं, एक यू आर कॉलिंग, ये कॉलिंग अ सब रूटीन, ये सब रूटीन है, सब रूटीन का नाम है ये, ठीक है। इसमें एक ये वेरिएबल है वन और एक ये वेरिएबल है टू, ठीक है। जो ही आप कॉल करते हैं तो फौरन यहाँ से यहाँ ये कंट्रोल यहाँ चला जाता है, जहाँ पे ये सब रूटीन पड़ी है मेन प्रोग्राम से बाहर, ये देखें मेन प्रोग्राम तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक इम्प्लिसिट नन, पहले वाला जो वेरिएबल है ना, मैं इसको रेडियस जो भी है ना वो आके आर में सेव हो जाता है, सो रेडियस की जो भी वैल्यू आप करेंगे वो फर्स्ट आर्गूमेंट में सेव हो जाएगी, और जो सेकेंड आर्गूमेंट करेंगे वो सेकेंड में सेव हो जाएगा, क्योंकि ये डमी वेरिएबल है, डजंट मीन, इनका नाम मतलब मैटर नहीं करता। और आखिर में आप एरिया की वैल्यू लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, और वापस भेज देते हैं, ये वापस आके एरिया के ना, ये एरिया आके इसमें सेव हो जाते हैं, ठीक है, और इसको आप प्रिंट कर देते हैं, तो प्रोग्राम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट तो आपने ये पूरी लाइंस लिखनी है और सब रूटीन अलग से लिखनी है मेन प्रोग्राम से बाहर, तो सो यू रन द प्रोग्राम एंड दैट्स ऑल। अगेन कुछ प्रोग्राम हम इस वक्त ऐसे सब ऐसे प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं जो एक्सटर्नल हैं, एक्सटर्नल का मतलब जो मेन प्रोग्राम से बाहर लिखे होते हैं, यानी मेन प्रोग्राम आपका जो भी था उसके बाहर एक सब रूटीन लिखी हुई थी या बाहर एक फंक्शन में पढ़ लेंगे कुछ टाइम के बाद, ये सारे ये अभी अगर आप एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं, दीज आर एक्सटर्नल सब रूटीन्स, ठीक है, जो अभी तक आपने पढ़ी, कुछ इंटरनल भी होती हैं, ठीक है, उनमें फिर लेकिन वो अभी आज के लेक्चर में कम अज़ कम इंटरनल सब रूटीन कम नहीं, वो कंटेंस में होती हैं, वो वी विल डिस्कस इट लेटर। सब रूटीन की बात ऑलरेडी हो चुकी, सब प्रोग्राम या सब रूटीन्स ये होती हैं, अभी फंक्शन के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं इसको एग्जांपल को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, याद है आपको लास्ट टाइम हमने एक डेटा रीड किया था किसी फाइल में से, इनपुट टू डॉट डेटा के नाम से एक फाइल थी, उस फाइल को हमने रीड किया था, देन हमने उसमें से उसके अंदर सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई किया था, ठीक है। अब उसी प्रोग्राम को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली द सेम प्रोग्राम बट विद अ सब रूटीन, ठीक है, एक सब रूटीन के साथ। तो हम करते क्या हैं कि एक सब रूटीन अलग से बना लेते हैं, ठीक है, जो कि ये नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है, ठीक है, सब रूटीन सॉर्ट, इसका नाम है सॉर्ट, सब रूटीन है उसका नाम है सॉर्ट। इसका इनपुट क्या है, ये इसके पास इनपुट क्या है, सो एरे, एक एरे है इसके लिए इनपुट और एक एन है, ठीक है, एन नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं उस फाइल के अंदर और एरेज उस एरे के अंदर मौजूद एलिमेंट की के नंबर्स होते हैं, और ये एग्जैक्टली वही सारा का सारा प्रोग्राम है जो कि आप क्या करते हैं, ये याद रखें, आपको देखना कितनी नंबर ऑफ़ इटरेशन कितनी पड़ती करनी पड़ती हैं, आपको याद है कि नंबर ऑफ़ इटरेशन एक कम करनी पड़ती है जन एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको इस सब रूटीन को इस्तेमाल करने के लिए इसको वो एरे भेजना पड़ेगा बाहर से, नंबर वन कि कितना एरे आप इसको देते हैं, और एक एन भेजना पड़ेगा आपको इसको,
ये आपको वापस भेज देगी एरे, लेकिन सॉर्ट किया हुआ एरे, ठीक है। ये आपको एरे वापस भेजेगी बट सॉर्टेड एरे, और बाकी वही एग्जैक्टली सेम है कि वही मिनिमम मालूम करना या सॉर्ट करना, अरेंज करना, सब कुछ वही है, लेकिन आपने अलग कर दिया, बस सब रूटीन के अंदर लिख दिया सारा कुछ। अब देखें ये सारी लाइन जो ना मेन प्रोग्राम जिसका नाम सॉर्ट ये है, ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये अगेन मैक्सिमम साइज़ वगैरह इसके अंदर डिफाइंड है कि फिलहाल मैक्सिमम साइज़ 10 है। करेक्टर फाइल का नाम आपने रीड करवाना है बाहर से, अगर फाइल सक्सेसफुल रीड होगी तो ये यहाँ तक जो भी है ना, यहाँ तक जो भी लाइंस हैं ये सारी सिर्फ फाइल की रीडिंग हो रही है बस, कुछ नहीं कि नंबर ऑफ़ फाइल, यानी पहले फाइल को रीडिंग नंबर वन सक्सेसफुल होना चाहिए, यानी फाइल का नाम रीड करना नंबर वन, और देन फाइल के अंदर मौजूद सारी एंट्रीज को वन बाई वन एड सेलेक्ट वन बाई वन काउंट करना और वो वैल्यूज एन वेल वन में आके जाके सेव करते जाना है, ठीक। और आखिर में ये देखें आप कॉल कर रहे हैं उसी सब रूटीन को जो नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, किसके साथ, विद ए, और ए क्या है, ए वो एरेज हैं, वो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, यानी ए एक एरे है, ठीक है। ये देखें ए एक एरे है, ये देख लें, ए इज एन एरे जिसके अंदर सारी, जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है, जिसके अंदर फिलहाल 10 एलिमेंट्स हैं, फिलहाल इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो इस नंबर को चेंज कर लिया करें। बहरहाल अब जो इसको कॉल करते हैं ये वो वाली सब रूटीन कॉल होती है, अब वहाँ से सब कुछ सॉर्ट आउट होकर यहाँ पे आ जाता है अगले के स्टेप में और उसको आप प्रिंट आउट कर देते हैं। सो देयर इज़ नथिंग मोर इन दिस प्रोग्राम देन टू जस्ट सिंपली पुशिंग दिस ऑल द इंफॉर्मेशन इन द सब रूटीन रिगार्डिंग द सिलेक्शन सॉर्ट मैथड, ठीक है। तो ये नई चीज़ कोई नहीं है इसमें, इसमें आपने बस अलग से सब रूटीन बना दी और कुछ नहीं किया, ताकि अब दोबारा दोबारा इस प्रोग्राम के अंदर ना लिखा जाए, बल्कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े सॉर्टिंग की बस आप ये इस्तेमाल करें ये वाली कॉल। कॉल जो ही करेंगे इधर आ जाएंगे, ये सब रूटीन स्टार्ट होगी, सब रूटीन स्टार्ट होगी कहीं ना कहीं एंड हो जाएगी और आपको रिटर्न कर देगी एक सॉर्टेड एरे। कहाँ सेव होगा, वो ए डबल आर में सेव होगा, ठीक है, और वापस जाके यहाँ से ए डबल आर जाके ए में आ जाएगा। ये डम, चूँकि ए असल वेरिएबल है, जो इस ए डबल आर एक डमी वेरिएबल है, वो एक उसकी वैल्यू इसके अंदर प्लेस होल्डर है उसके लिए, ठीक है। इंटेंट जो आया था क्या मतलब, इंटेंट में यह है कि अगर आपने इंटेंट के अंदर इन लिख दिया तो इसका मतलब आप जो डमी आर्गूमेंट इज़ यूज ओनली टू पास इनपुट डेटा, ये सिर्फ इनपुट हो सकता है डेटा। अगर आपने आउटपुट लिख दिया तो इसका मतलब इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू, ये आउटपुट डेटा आपको रिटर्न करता है। और अगर आपने किसी फंक्शन के बारे में आपको डाउट है कि वो इन और आउट दोनों हो सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू इन भी हो सकती है और आप चेंज करके उसको आउटपुट वापस भी भेज सकते हैं, तो फिर इन आउट लिख दिया करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल पिछले केस में ना, ये वाला लास्ट केस में ना ए डबल आर एरे था ना, एक एरे बाहर से आता था जो अनसॉर्टेड होता था और आप उसको सॉर्ट करके वापस भेजते थे, तो ये इन भी था और आउट भी था, ठीक है, इसलिए ये इन आउट दोनों लिखे होते सर, ठीक है। अच्छा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि बस समटाइम्स ये इंटेंट का यूज़ करना बड़ा यूज़फुल होता है, इन द सेंस के वैल्यूज़ जो आप चाहते हैं कि ये इनपुट वैल्यू हमेशा इनपुट रहे, तो वो इंटेंट लिखने से ये एक बात गारंटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से देखें, सो ये है प्रोग्राम का नाम है, ये मेन प्रोग्राम है इम्प्लिसिट नन, इसमें एक इंटीजर एक्स की वैल्यू 1 है, एक इंटीजर वाई की वैल्यू 2 है। यहाँ आप कॉल करते हो टेस्टिंग एक्स वाई को, तो जो ही आप कॉल करते हो तो फौरन ये यहाँ पे आप आ जाते हैं सब रूटीन में, कॉल लेना, एक्स की वैल्यू आके ए में स्टोर हो जाती है डमी वेरिएबल में और वाई की वैल्यू आके बी में आ जाती है, ठीक है। अच्छा अब आप अगेन इम्प्लिसिट नन लिखते हो, ए को आप लिख रहे हो कि ये सिर्फ इनपुट पैरामीटर है, ठीक है, इस ये बाहर से ही आएगा, बी आउटपुट है, इसका मतलब बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करके वापस भेज सकते हैं, फिलहाल ए के अंदर एक्स है और वाई है। अगर आपने कोड के अंदर जाके कहीं ए को चेंज कर दिया, ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, तो एक एरर आ जाएगा कि ये अलाव नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने इसको ए को एज एन इनपुट पैरामीटर इस्तेमाल किया था। इनपुट का मतलब सिर्फ आप इसको एज अ यूज़ कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, यू कॉन्ट चेंज अ पैरामीटर विच हैज़ बीन इंटेंडेड एज एन इनपुट पैरामीटर। बी को कर सकते हैं, बी में कोई मसला नहीं, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू जो आपने दी वो कैलकुलेशन के दौरान कहीं बदल ना जाए, ठीक है, तो इसलिए उसको इंटेंट इनपुट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू की वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट से है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, एक इन्फिनिट वायर की म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर, सो बी इसकी आउटपुट होनी चाहिए, तो बी की इंटेंट आउटपुट होगी, और इसको इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको आई चाहिए और आर चाहिए,
आई और आर को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी आप आई और आर भेजेंगे बाहर से कि आई करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है और रेडियस आर की वैल्यू 3 मीटर है, तो वो जाए और ये तब्दील ना हो, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर ये चेंज हो जाएगा तो बी की वैल्यू बदल जाएगी ना। सो इसलिए ऐसे कोड्स में समटाइम्स ज़रूरत होती है कि इनपुट इंटेंट डिक्लेयर की जाए वेरिएबल्स की सब रूटीन के अंदर, ऑल दो दे आर डमी बट दे कुड हैव एन इंटेंट विच इज़ ओनली इनपुट ओनली आउटपुट और इन आउट बोथ। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है कि शेयरिंग डेटा यूजिंग मॉड्यूल। एक ऐसा नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको पढ़ाना, वो मॉड्यूल है। मॉड्यूल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी सब रूटीन्स और मेन प्रोग्राम वो एक कॉमन डेटा को शेयर कर सकते हैं। फोर्ट्रान के जो अर्लियर वर्जन थे उसमें कॉमन के नाम से एक वेरिएबल था, कॉमन होता था, और उस कॉमन में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर लेते थे और वो कॉमन होता था सबके लिए, उसको इस्तेमाल कर सकते थे आप कहीं पे भी। लेकिन अब मॉडर्न प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल एक फीचर है। मॉड्यूल में क्या होता है, शेयरिंग डेटा अमॉन्ग प्रोग्राम्स, सो दिस इज नथिंग बट शेयरिंग डेटा अमॉन्ग प्रोग्राम वेरियस प्रोग्राम्स सब रूटीन्स फंक्शंस। फंक्शन अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन बहरहाल उनके दरमियान शेयर होता है। मैं बताता हूँ कि कैसे करते हैं, करते कैसे इसको, इसको लिखते हैं मॉड्यूल, ऐसे लिखते हैं, और उसका नाम लिखना पड़ता है जो भी आप मॉड्यूल का नाम लिखना चाहें। दरमियान में बहुत सारे पैरामीटर जो आप जिनको डिफाइन करना चाहते हैं वो लिख देते हैं, और आखिर में एंड मॉड्यूल करना पड़ता है। ये मॉड्यूल की एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, हाउ टू यूज़ अ मॉड्यूल। और जहाँ से इस्तेमाल करना होता है जिसने, वहाँ एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, उसको कहते हैं यूज़ स्टेटमेंट। ठीक है, जिस प्रोग्राम ने इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करना है, इस मॉड्यूल का, उससे पहले आपने लिखना होगा यूज़। ठीक है, जो ही आप यूज़ लिखेंगे तो इसकी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, इस मॉड्यूल को अब मैं एग्जांपल बताऊँ, एग्जांपल तो अच्छा क्लियर होगा। अच्छा चलें, फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल लिखना पड़ेगा शेयर डेटा, ये इसका नाम है, आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट नन एज यूजुअल, ये सेव का एक कमांड होता है, जब सेव लिख देते हैं इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग द एक्सचेंज वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता। सो ये एक सिक्योरिटी की कमांड है। सो सेव जब आप लिखते हैं इसका मतलब गारंटीज दैट ऑल डेटा डिक्लेयर्ड इन द मॉड्यूल विल बी प्रिजर्व्ड बिटवीन रेफरेंसेस, तो जो जो इसको कोई डील करेगा तो ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर आप लिखते हैं इंटीजर, पैरामीटर लिखते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज इज इक्वल टू 5, ये आपने डिफाइन कर दिया मॉड्यूल के अंदर। एक रियल लिखा, वैल्यूज नाम का एक एरे है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन ये वाली है, यानी ये 5 एंट्रीज, इसकी वैल्यूज 1, वैल्यूज 2, वैल्यूज 3, वैल्यूज 4, ये एक मॉड्यूल है। ठीक है, दिस इज अ मॉड्यूल। अब मैंने ये नहीं कहा कि इसको यूज़ कैसे किया जाएगा, ये सिर्फ एक मॉड्यूल है जिसके अंदर एक 5 स्टोर है और ये एक वैल्यूज़ के बारे में डिफाइन किया गया कि ये 5 डायमेंशन का एक एरे है। ठीक है, सो लेट्स यूज़ दिस मॉड्यूल नाउ। तो लेट्स यूज़ इसे, कैसे यूज़ करते हैं, ये वही वाला मॉड्यूल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये सारे का सारा। अब ये देखें, एक मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ मेन प्रोग्राम, ये नई चीज़ है, ये देखें, ये जो मैंने लिखी है यूज़ शेयर डेटा, ये जो जब भी हमने ये यूज़ शेयर डेटा लिख देना, अब इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम को, इस शेयर डेटा को जो कि मॉड्यूल है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें कैसे। इम्प्लिसिट नन लिखा आपने, रियल पैरामीटर पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी, वैल्यूज इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई ये चीज़, ये पूरा एरे है। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाई 1, पाई मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वैल्यूज 1 में चला जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाई, यानी पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो इसके पहले में चला जाएगा, ये पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकंड में चला जाएगा, ये थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें थर्ड में चला जाएगा, वगैरह वगैरह। अब गौर से देखें, हमारे इस प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें तो हमें कभी डिफाइन किया ही नहीं वैल्यूज़ को, तो हमें एरर क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है ना, इसके अंदर कहीं, इसके अंदर तो सिर्फ एक पाई को डिफाइन किया बस, और तो डिफाइन नहीं किया ना वैल्यूज़ को। लेकिन चूंकि आपने ये यूज़ शेयर डेटा लिखा था ना, यूज़ शेयर डेटा, तो इसने फौरन ये सारा डेटा एक्सेस कर लिया इस मॉड्यूल के अंदर मौजूद, तो उसे पता चल गया कि वैल्यूज़ एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक हो गया, अब देखें ये वैल्यू सारी स्टोर। अब इसके बाद हमने कहा कॉल सब 1, एक सब रूटीन है जो आपने कॉल की, तो जो ही कॉल सब 1 करेंगे तो यहाँ सब 1 में आ जाएंगे यहाँ पे, इसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए, सब ये है। इसके अंदर भी आपने यूज़ शेयर डेटा लिख दिया, इसका मतलब इस सब रूटीन को भी इजाज़त है कि ये पूरे का पूरा एक्सेस कर सके इसको। और इसके अंदर हमने कह रखा राइट वैल्यूज़। अब इस सब रूटीन के अंदर वैल्यूज़ कहीं नहीं डिफाइन किया गया था, लेकिन स्टिल
वैल्यूज़ को ये समझता है, इसको पता है कि वैल्यूज़ कौन है, क्योंकि ये सब यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इस डेटा को, ठीक है। इसलिए बहुत यूज़फुल आइडेंटिटी है, ये कोर मॉड्यूल है। सो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सी यू, थैंक यू।